मातृशक्ति के लिए हम खड़े हैं, जिस शक्ति के लिए खड़े हैं उस रैयादाई को सर्वप्रथम सेवा जोहर। उसके बाद हमारे यहाँ के बाबा जी, आप सभी मातृ पितृ शक्ति, आने वाले बाहर गांव से सभी सगाजन और इस मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, जो जनता जनजाति मोर्चा के सभी सदस्य अध्यक्ष, आपकी आप सबके तो मैं नाम नहीं जानता, तो सभी को एक बार मैं सेवा जोहर करता हूँ। और एक तो वक्त कम है तो बहुत कम पॉइंट में आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि कल रात में भी मेरी एक स्पीच हुई थी। मैं राहुल खन्ना के एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज में कुछ विचार का परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं, और लगातार 6-7 सालों से मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, भारत के हर ट्राइब में जा रहा हूं, हर ट्राइब को निरीक्षित कर रहा हूं, निरीक्षण कर रहा हूं, और उसमें क्या ऐसा है जो हमें बचाना चाहिए, और ये पता लगा कि उसका जो कल्चर है, परंपरा है, रूढ़ी है, सब कुछ बचाने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ उसका प्राचीन है। और फिर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और हम लोगों ने ये ठाना कि आज हम ट्राइबलों की बात हर जगह पे पहुंचा के रहेंगे, और उसमें हम थोड़े बहुत सफल भी हो रहे। आज इस ये जो आपका सैलाब मैं देख रहा हूं, उस सैलाब से मुझे ये लग रहा है कि समाज आज मेरा एक जगह आने लगा है, अपने पेन पुरखा को पहचानने लगा है, अपने पेन पुरखा को पूजने भी लगा है। लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन अगर गलत होता है तो हम कितनी भी बंदूक से, बहुत नई बंदूक से अगर गोली चलाए तो वो निशाने पे नहीं बैठेगी, अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या फायदा उस बंदूक का और क्या फायदा उस गोली का। एजुकेशन, शिक्षा की बात हर कोई कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर रहा। भारत में 700 से अधिक जातियां हैं, जनजातियां हैं, और उसमें आप जाएंगे तो आपको हर कोई शिक्षा की बात करते हुए नजर आएगा ट्राइबलों के लिए। लेकिन क्या वो शिक्षा एक अचूक साधन है आज के दौर में? क्या अचूक साधन है? एक उदाहरण के तौर पर मेलघाट में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमारे कोरकू ट्राइब रहते हैं, और उस कोरकू ट्राइब में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपनी भाषा ही जानते हैं, अपनी ही भाषा जानते हैं, बाहर की भाषा नहीं जानते। और इंडिया में ऐसी कुछ जनजातियां हैं, मैं दिखा दूंगा आपको कि उनको उनकी कबीले की भाषा छोड़ दिया जाए तो दूसरी भाषा नहीं आती। अगर ऐसे क्षेत्र से जो बच्चे निकलते हैं, उनको एजुकेशन लेना है, उनका भी अधिकार है एजुकेशन लेने का, वो जाके किसी स्कूल में पढ़ता है, किसी शहर में जाने की कोशिश करता है, कॉलेज में जाने की कोशिश करता है, वो वहां जाने के बाद क्या वो फर्स्ट आएगा उस क्लास में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी मातृभाषा अलग है, उसके कबीले की भाषा, उसकी जन्म भाषा अलग है, और दुनिया में जो भाषा चल रही है उस भाषा से उसका कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट को बताया जाए कि ट्राइबल का जो डेवलपमेंट है वो बाद में करना, पहले उसको उनकी भाषा में एजुकेशन दो, उसके बाद अपना डिसीजन वो खुद लेंगे। उनको उनकी भाषा में अगर एजुकेशन मिलता है तो वो स्टॉप जरूर करेंगे। और इसीलिए हमारे ट्राइबल लोगों में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, शहरों में हमारे बच्चे जाके पढ़ते हैं, ज्यादा मार्क नहीं ला पाते, ज्यादा परसेंटेज नहीं ले पाते, तो उसके बाद उनको खाने के लिए आप यहाँ आते हो, खाने के लिए एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आते हो। अरे वो जिस माहौल से आया है ना, वो माहौल ये, इसलिए 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, इसलिए हम बात करते हैं पेशा कानून की, कि जल्दी से जल्दी वो लागू हो, जल्द से जल्द हमारी भाषा में, हमारी कल्चर में हमारा राज्य हो। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी गोंड आदमी हो, एक ही कहता है, मावा नाटे मावा राज, मेरी गांव की मेरी सरकार। और इसीलिए नहीं तो यहाँ के ट्राइबल लोगों को बाकी धर्मों से या बाकी समुदायों से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ट्राइबल आदमी यहाँ पे अपनी जगह बनाना चाह रहा है, जगह जैसे जैसे बाकी लोगों की जगह है, वो भी चाह रहा है कि मेरे भी बच्चे पढ़े, वो भी चाह रहा है कि मेरा भी बच्चा पुणे जाए, वो भी चाह रहा है कि मेरा भी बच्चा बंबई में जाके सीखे, मेरा भी बच्चा इंजीनियर बने, मेरा भी बच्चा एडवोकेट बने, मेरा भी बच्चा सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठे, और ये सोचने का अधिकार संविधान सबको दे रहा है। तो फिर वो अगर अपनी जगह बना रहा है तो बाकी यानी यहाँ के गवर्नमेंट को और बाकी जो भी हमारे समाज के लीडर्स लोग हैं उन लोगों को भी ये समझना चाहिए
कि ट्राइबलों को पहले वेल एजुकेट करना बहुत जरूरी है, तब जाके हमारा विकास हो पाएगा। हमारे घर के सामने एक बड़ा सा रास्ता, हमारे घर में एक छोटी सी गैस और हमारे घर में 40 से 50 किलो राशन फ्री देने से मेरे आने वाली पीढ़ी नहीं सुधरेगी। मेरी पीढ़ी तब सुधरेगी जब मेरे घर का कोई आदमी वेल एजुकेट बन के इस सरकार की इस यंत्रणा में जाके बैठेगा, तब मेरी 10 पीढ़ियां सुधर जाएगी। और आपको सब परोसा जा रहा है लेकिन यही नहीं परोसा जा रहा है, आपको सब परोसा जा रहा है लेकिन यही नहीं परोसा जा रहा है, जिस चीज का महत्व है उस चीज को ही नहीं बताया जा रहा है। आपके हक में क्या है अगर 70-80% आपके गांव में आप हो तो आपके गांव में पेशा कानून लागू हो सकता है। पेशा कानून क्या है? पेशा कानून ये है, ये आवाज उठी थी जो अभी RRR मूवी दिखी है आपने, RRR मूवी राजा मौली की रिलीज हुई है और बहुत बड़े कोयतूर समुदाय ने देखी है, मैंने भी देखी है। उस मूवी में एक बात उठाई गई, एक चीज को, एक पर्सन को उठाया गया, उस पर्सन का नाम है क्रांतिवीर कुमराम भीमू। क्रांतिवीर कुमराम भीमू का नाम आज पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो पहले एक इंसान थे जो बता रहे थे कि ट्राइबल ही वो आदमी है जिनका अधिकार इस देश के जल जंगल और जमीन पर है। और इन्होंने ये प्रूव भी किया था, एक हाथ में अंग्रेज की हुकूमत थी, एक हाथ में निजाम की हुकूमत थी और दोनों से लड़ते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक हमारी जल जंगल जमीन हमें वापस नहीं मिलती, वापस मिलती यानी हमारा अधिकार उस पे नहीं आता, तब तक हम रुकने वाले नहीं और ये गोंडवाना आंदोलन चलते ही रहेगा। और वहां से 1941 से आज तक 2022 तक आज भी गोंडवाना का आंदोलन चल ही रहा है। और इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, हम किस चीज के पीछे जा रहे हैं। अगर ये हम समझ लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम समाज में बदलाव जरूर करेंगे। एक्चुअली आजकल कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन ये हो रहा है कि मैं प्राचीन हूं तू प्राचीन है, अपने अपने लोग लगे हुए हैं इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मैं प्राचीन हूं, कोई ये दाखला दे रहा है, कोई वो दाखला दे रहा है। लेकिन UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों की एक बड़ी संस्था है जो वहां से उन्होंने 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे को उन्होंने सम्मानित किया था, वो कह रहे हैं कि जिस देश का वो ट्राइब है, ट्राइब के कैटेगरी में अगर वो इंसान आता है तो वो समूह, वो समुदाय सबसे प्राचीन है, उसको उसके अधिकार, उसको उसके सभी अधिकार मिलने ही चाहिए। ये तरतूद है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। आप 5वीं अनुसूची क्या है गूगल कर लीजिए पता चल जाएगा, पेशा कानून क्या है गूगल कर लीजिए पता चल जाएगा, ये मैं खुद के जेब से नहीं बता रहा हूं। लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है, हमारे हक और अधिकार बताने चाहिए लेकिन बताया नहीं जा रहा है। और इसीलिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा, किसी के कंधे पे बंदूक रख के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आज का ये तो जमाना है नहीं कि गोंड राजा किसी के साथ झगड़ा हुआ तो तलवार लेके चले गए, आज के पास एक ही शस्त्र है और वो है कलम। इस शस्त्र को अगर आप महारत हासिल करते हैं इस शस्त्र पर जिसे मैं कलम कह रहा हूं, तब ही हम वहां जाके जीत सकते। और इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुशिक्षित होना, और सुशिक्षित नहीं और पढ़ा लिखा और सुशिक्षित में भी फर्क है बड़े भाई, पढ़ा लिखा और सुशिक्षित में फर्क है। पढ़ने के बावजूद ही बैल जैसी बुद्धि रखकर अपने समाज की और अपनी पीठ दिखाते हुए चले जाने वाले को मैं सुशिक्षित नहीं कहता, मैं उसे पढ़ा लिखा कहता हूं सिर्फ। लेकिन अपनी शिक्षा को अपने समाज के लिए उतार कर अपने समाज के लिए वो वक्त बिताता है, मेहनत करता है, उसे ही मैं कहता हूं सुशिक्षित। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज को पीठ दिखाकर चले जाते हैं, मंचों पे आके तालियां बजवाते हैं लेकिन उसके बाद समाज के कोई काम नहीं आते। और ऐसे लोगों को हम समझ नहीं पाते और कहते हैं कि आप हमारी लीडरशिप करेंगे, कहां कहां ले जाएगा वो समाज को, कहां ले जाएगा, कहां तक पहुंचाएगा आपको, आपकी पीढ़ी को नहीं पहुंचा सकता। इसलिए सोच समझ के अपने लोगों को चुनिए, इसलिए सोच समझ के जो आदमी
आपके काम कर सकता है, जो आदमी आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ सकता है, ऐसे आदमी के पीछे खड़े रहिए, वो आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा। आपके क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जैसे कि इतिहास की बात करेंगे हम लोग, इतिहास में बात करेंगे तो इस गोंडवाना के, महत्तम गोंडवाना के, जिस गोंडवाना में 2000 साल राज किया गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस गोंडवाना में जो भी गढ़ किले कोट आते हैं, यहां पे भी गोंडवाना राज्य आपको दिखेंगे, वो स्पेशल वहां के गोंड राजाओं ने किले बंधवाए हैं, किसी दूसरे किले पे जाके राज नहीं किया, इतिहास खोल के देख लो। यानी यहां का आदमी, गोंड आदमी ये जानता है कि किसी पे हावी नहीं होना है, खुद का निर्माण करना है। और इस गोंडवाना में चार गढ़ थे जो बड़े फेमस थे, चांदागढ़, देवगढ़, खेरलागढ़, गढ़ा मंडला। ये चार गढ़ थे, जिस चार गढ़ में पूरा गोंडवाना शासन आता था। चांदागढ़ चंद्रपुर में है, देवगढ़ छिंदवाड़ा के पास है, ये जो खेरलागढ़ की मैं बात कर रहा हूं वो बैतूल से कुछ दूर है, गोंड राजा का वो किला है। और यही गोंडवाना के इतिहास के पास पास आप आते हो, इसलिए गर्व महसूस करिए कि इस भूमि पर आप हैं, और गर्व महसूस करिए कि आप वो कौम है जिस कौम ने 2000 साल यहां पे राज किया है, और उस कौम के चलते बाकी सभी धर्म संप्रदाय पंथ जातियां एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती थी, तब कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और इसीलिए इस समानता, इसे हम क्या कहते हैं गोंडी में, हम कहते हैं मांदी। आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, इसे हम मांदी कहते हैं। मांदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मांदी में कोई ऊंचा या बड़ा नहीं होता, कोई भी बड़े टीम का लीडर हो, कोई भी बड़ा मंत्री हो, अगर उसको गोंडों की मांदी में आना है तो उसको भी नीचे ही बैठना है, और इस समाज के मजूर को भी उसके सामने नीचे ही बैठना है। ये है इक्वलाइजेशन, समानता, इसलिए हम कहते हैं मांदी। और इस मांदी में रहकर, इस समुदाय में, इस गोंदोले में रहकर हम अपने विचार को प्रकट करने वाले लोग हैं, किसी पे हावी होने वाले लोग नहीं है। इस छोटे से संभाषण में लास्ट में एक कहूंगा, पढ़े बिना हमारा उद्धार नहीं होगा, किताबें पढ़े बिना हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई चमत्कारी बात नहीं, ऐसा कोई ऐसा पेन नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं, ऐसी कोई यूएसबी पेन ड्राइव नहीं जो आपको डालेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आपको उद्धार करना है, अगर आपको सशक्त माइंड से बनना है, तो आपको किताबें पढ़नी है, अपने जनरेशन को सिखाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, तभी जाके कुछ हो सकता है। मैं जब पूरी इंडिया घूमता हूं, अभी यहां से हम छत्तीसगढ़ निकल रहे, वल्ले किनार जा रहे, और हम पूरी इंडिया घूमते हैं, इसलिए घूमते हैं कि ट्राइबों के पास चले जाए, उसके नेम दस्तूर, उसके पर्व त्योहार को हम बारीकी से देखते हैं। तो इन चीजों को समझते हुए हम साथ में कुछ गोंडवाना का इतिहास जानने वाली किताबें भी रखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर जी हम आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा अगर मुझे किताब मिल जाए तो चाहिए। फिर ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला, तो हम अपने गाड़ी के साथ, लाइब्रेरी टीम के साथ कुछ गोंडवाना की किताबें रखते हैं, जो कि तिरुमल कंगाली साहब, हमारे राजेंद्र जी ढोके साहब और अन्य बुद्धिजीवी लोगों ने उस किताबों के बहुत बड़े जीवन भर रिसर्च करके उस किताबों को लिखा है। तो ऐसे किताबों को हम साथ में रखते हैं। तो आज भी हम जहां आए हैं वहां पे छोटा सी किताब आपको डेमो करके हमने वहां पे रख दी है। तो सवाल यही है कि हम जो पैसा खर्च करते हैं, कभी दारू में पी के उड़ाते हैं, कभी वीडियो में उड़ाते हैं, कभी किसी चीज में उड़ाते हैं, तो उसी 100 रुपए का एक किताब लीजिए जो पसंद आए वो, और एक दिन में नहीं, चार दिन में नहीं तो एक महीने में उसको पढ़िए। जितना आप उसको पढ़ेंगे वो लगेगा 100 रुपए का किताब, 1,00,000 रुपए का नॉलेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसीलिए उस किताब को जरूर पढ़िए, वहां पे स्टॉल लगा है, तो आपकी मर्जी है, मैं बताने का काम कर रहा हूं। जितना जल्दी आप अपने इतिहास को पढ़ोगे उतने आप माइंड से सक्षम होते जाओगे, और आपको कोई भी गुमराह नहीं करेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हमें कोई भी आके गुलामी में रख सकता है। ये जो एक शिक्षा है, ये जो शिक्षा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हमें शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और आयोजक मंडल जिन्होंने मुझे बोलने के लिए ये वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आप मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी को भी सेवा जोहार करता हूं। मंच पे उपस्थित सभी बुद्धिजीवों को एक बार और सेवा जोहार करता हूं। एक बार मेरे साथ ऐसे आवाज के साथ सेवा सेवा कहिए कि यहां से 5 किलोमीटर तक वो आवाज जाना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहिए, फड़े पिंता सेवा सेवा, रैया दैना सेवा सेवा, कली कंकालीना
सेवा शिवा नायतार जंगोना सेवा शिवा बांदी पारी कुपार लिंगोना सेवा शिवा हिरा सुखा लिंगोना सेवा शिवा जय सेवा।